वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा, और जैसा कि आपको पता है कि पहले सेगमेंट में जो मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद थे उनको हम अलविदा कर चुके हैं, जी जा चुके हैं हमारे साथ। अभी हमारे नए गेस्ट मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूँगी अपने शो पर। सबसे पहले मेरे साथ जो मौजूद हैं जी, उनका नाम है इंतखाब आलम सूरी साहब, सदर है पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा जी, दूसरे जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं वो सीनियर तजियाकार हैं, उनका नाम है डॉक्टर शहबाज। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगी जो कि इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं। कहते हैं ना कि आपका कारोबार जो है वो आपका मुस्तकबिल होता है। आपने एक छोटी सी दुकान भी अगर की है तो समझ लें कि वो आप सोचते हैं उससे कि मैं कमाऊँगा, फिर मेरा बच्चा कमाएगा, फिर उसका बच्चा कमाएगा, क्योंकि वो एक पूरा समझे मुस्तकबिल उस पर हमारा होता है। तो ये जो अलादीन पार्क और यहाँ जो ये तोड़ फोड़ ये सारी चीज़ें हो रही है, ये जो इस टाइम लोग परेशान हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, वैसे तो ये कराची के लिहाज से तो बहुत अच्छा है। इस वक्त जो भी कराची में, मतलब मैं कहता हूँ कि 50% ज़ायद जो है ना इस वक्त कब्ज़े हैं, और जगह जगह जो है नाजायज़ तजावुज़ात हैं। ना सिर्फ तजावुज़ात हैं बल्कि चाइना कटिंग की वजह से भी कई पार्क्स जो कि तबाह कर दिए गए, नौजवानों के खेलने के पार्क थे वो ख़त्म हो गए, प्ले ग्राउंड थे वो ख़त्म हो गए। इसी से जराइम बढ़ते हैं, इसी से। लेकिन इस वक्त जो डिसीज़न लिए हैं गुलजार अहमद साहब ने, क्योंकि ये फरवरी में रिटायर होने वाले, सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त जो है ना कंप्यूटराइज नहीं हुआ हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये हुक्म जारी किया है कि 3 माह तक टाइम दिया है। एक चीज़ प्लीज़, आप अपनी आगे बात बढ़ाते वक्त मेरे देखने वालों को, मेरी जो प्यारी मासूम आवाम है जो कि जो भी मलबा हो वो फेंकना जहाँ होता है वहाँ फेंकते नहीं हैं पर जाके कहीं और फेंक देते हैं, तो प्लीज़ मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गैर जानबदार हूँ। मैं इस टाइम यहाँ बैठी हुई हूँ तो मैं सिर्फ एक एंकर हूँ। मुझे ये बताएं, ये जो गैर कानूनी जो कब्ज़े होते हैं या इस तरह के जो तजावजात हैं जिनको अभी ख़त्म किया जा रहा है, ये जो सारी चीज़ें हो रही है, जैसे अभी आप हालिया जो हो रहा है आप देख रहे हैं, ये सब का जो है ऑर्डर कौन करता है, ये किसके कहने पे होता है, कौन ऑर्डर पास करता है, तो ये मामला शुरू होते हैं? ये जरा मेरे असल रिस्पांसिबिलिटी वही है, असल रिस्पांसिबिलिटी वही है जो इदारों बैठे हुए हैं। SBCA है जो पहले KBCA था, ये इदारे MDA KDA, ये इन लोग के इनके अंदर सब अफसरान बैठे हुए हैं जो पहले पार्टीज के लोग बैठे हैं। बाकायदा चाइना कटिंग में KDA के अंदर बाकायदा दफ्तर एक बना हुआ था जिसका कोई ऑफिशियल वो नहीं था, उन्होंने फिर चाइना कटिंग में लोगों को, आज वो गायब है, पैसा कमा कमा के खा खा के, कोई दुबई चला गया, दुबई भेज दिए, लंदन भेज दिया, कनाडा में, ये एक सेटअप है। बेसिकली ये एक सेटअप है जिसका यूनुस मेमन नाम जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ये एक सिस्टम का नाम है। अगर आप बुराई करना चाहते हैं, आप गबन करना चाहते हैं ना, तो आप सिस्टम में आ जाएं, ना आप गिरफ्तार होंगे, ना आपको कुछ पकड़ा जाएगा, इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं, रिश्वत लेते रहें, लूटते रहें आवाम को, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, इसलिए कि आपकी सरपरस्ती कोई और कर रहा है, सियासी जमाते कर रहे हैं। आप तो फ्रंट मैन है ना, आप अगर उस फ्रंट मैन के सिस्टम के हिस्सा हो जाए तो आपको कोई कुछ नहीं करेगा, आप जेल में जाएंगे, निकलवाने वाले ऊपर मौजूद है। एक तो ये, दूसरा ये कि जो भी बिल्डर्स हैं जो कि जिन्होंने मिल के काम किया, ठीक है, ये जिन्होंने अलादीन पार्क में दुकानें ली, आप सोचें इन्होंने इन्होंने तो लीज ली ना उस वक्त, उनको क्या पता था इनका क्या कसूर है, इनके लिए कुछ सोचा नहीं गया जी जी कि इनको आगे इनके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये तो बेचारे गरीब पता नहीं कितनी जमा पूंजी अपनी संभाल के रखी होगी। आप कंपनसेशन दें उन पार्टियों को, पकड़ें उन सियासी जमातों को, पकड़ें जो जो कि पिछले हुकूमतों में रहे, जिन्हों खा खा के पेट मोटे हो गए, उनके उनके पेटों को फाड़ के निकाले, पैसे इन गरीबों को दें, ठीक है जी। अब इन लोगों ने बेचारे कई साल से जगह बनाई है, और आज मुझे तो ये शक है कि ये अलादीन पार्क गिराया जा रहा है ना, आज इन्हीं मिली भगत में दोबारा खड़ा किया जाएगा, और जो अब अरबों की जमीन हो चुकी है। जब पहले खड़ा किया जा रहा था, ये सब चीजें बन रही थी, तो उस टाइम आंखें बंद थी, उस टाइम नजर नहीं आ रहा था, या उस टाइम खुद ये किया जाने दे रहे थे कि ये हो, और उस टाइम जब आपका कारोबार सेट हो जाए, आप कमाने लग जाए और हम आ जाए। KMC ने ठीक है वो दिया था, उसको टेम्पररी दिया था। हमारे में लोगों की गलती है कि एक चीज टेम्पररी है, उसमें वो लोग समझते हैं, वेरिफिकेशन नहीं करते, मालूम नहीं करते, वकला को से या एडवाइजर से मालूम नहीं करते, और प्रॉपर्टी में हाथ डाल डाल की वजह से आज कितने पोर्शन शहर में बन रहे हैं।
अभी भी दबादब पोर्शन बन रहे हैं। हम आप बनाना चाहें तो नहीं बना सकते फौरन, लेकिन वो एक सिस्टम है, रिश्वतखोरों के सिस्टम है। आज भी पोर्शन बन रहे हैं और आज सब कुछ आम आदमी के लिए सस्ती चीज़ के लालच में आ जाता है और वो ले लेता है। अभी भी मैं कहता हूँ लोगों से ना लें सस्ती चीज़ों के, उसमें ना आया करें। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि मुतबादिल दें। पहले भी परवेज मुशर्रफ के दौर में, मुतल्ला साहब के दौर में जो मुतबादिल दिया गया आज, मैं तो कहता हूँ नासला टावर गिराए नहीं बल्कि इसको दोबारा बेचें, उस पैसे से इनको कंपनसेट करें। इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि नाजायज हैं, आप उनको बेचें, आप उसकी ऑफर लगवाएं और इन गरीबों को, इन आम आदमियों को दें। तो बीच के लोग हैं ना, सारे खाने वाले ऊपर के लोग हैं, जो सरकारी इदारे हैं या दूसरे लोग हैं, बिल्डर्स हैं या दूसरी माफियाज हैं, सियासी माफियाज हैं जिन्होंने पूरे लोग, तो असल तो उनसे पैसा बटोरा जाए ना। इन आम आदमियों को जब तक कंपनसेशन ना दिया जाए, जब तक इनको मुतबादिल ना दिया जाए, बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताऊँ कि बहरिया टाउन को जो है 17,000 जो है ना एकड़ ज़मीन में से 14,000 दे दी, जो कि गरीब लोगों के लिए दी, 14,000 उनको दे दी। मैं माजरत चाहता हूँ, उस वक्त जो ये डिफेंस सिटी है, डिफेंस सिटी में नाजायज थे ये दो दिए गए थे। बेसिकली किसके लिए दिए गए थे, ये शोधा के नाम पे दी गई थी 20-25 एकड़। आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई बहरिया टाउन। इन सबको नवाजा गया, इन पे कोई हाथ ही डालने वाला नहीं है, बड़ों पे कोई हाथ ही डालता। इन बेचारे गरीबों को जो कि अलादीन पार्क में बैठे हुए थे, इनके ऊपर हाथ डालना बड़ा आसान है। ठीक है जी, और भी छोटे कच्ची जगहों पर गिरा रहे हैं भाई, गिराएं, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए ये चीज़ें, लेकिन नाजायज नहीं होनी चाहिए। ऑर्गिड टाउन है भाई, वहाँ पे ठीक है पहले कब्जा था, अब आकर रेगुलाइज कर दिया नहीं कर दिया, और भी बहुत सी जगह है जिसको रेगुलाइज कर दिया भाई, सीडीए रेगुलाइज कर दिया। ट्विन टावर जो इस्लामाबाद में था, जहाँ इमरान खान के फ्लैट था इसलिए, जहाँ पे जजेस के फ्लैट थे इसलिए, उसको रेगुलाइज कर दिया। ठीक है ना, जो कि हयात रेजेंसी कहलाता है, वहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के फ्लैट थे, उनको जो है रेगुलाइज कर दिया। बनी गाला को रेगुलाइज कर दिया, आप सब्जी को आज यहाँ कराची में इन लोगों ने क्या कसूर है कि उनको रेगुलाइज नहीं कर रहे। बाबा उनको रेगुलाइज करें, अब जो हो गया ना, आगे देखे उनको रेगुलाइज। कराची के लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा? देखिए कराची के लोगों से आवाज, अब तो जिन्होंने खाया वो क्या उठाएंगे, जो पीछे रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, जिन्होंने हुकूमती एमकेएम है, पीपल्स पार्टी है, काफ लीग है, ठीक है ना, और इस तरह की पीपीपी खास तौर पे खुद है, तो ये लोग तो खुद इन्होंने सब कुछ गंदगी में इन्वॉल्व है ना, शामिल रहे। आज ये लोग वो एक दो जमातें जो कह जाती हैं, वही उनमें से कोई आवाज़ उठाते या ये समझ लें कि क्या बोलते हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो आवाज़ उठाते हैं। नईम क्या नाम है, नईम वो कुछ उस पर ज़्यादा बोलते हैं। बाकी तो आप बोलते हुए भाई से लगता है बोल क्यों रहे हैं भाई, तुम ही तो अभी भी इन्हीं की सरपस्ती चल रही है, अभी भी इनकी सरपस्ती चल रही है, जिसकी वजह से सारे मामला चल रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। ठीक है जी, मैं आगे चलती हूँ, फिर दोबारा आपके पास आऊँगी और इस टॉपिक पर हम और बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, पाकिस्तान में इस वक्त यूथ बहुत परेशान है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि यूथ को क्या करना चाहिए? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मसले का हल जो होता है या मसला जो होता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी जो इकॉनमी है उसकी परफॉर्मेंस के साथ वो लिंक होता है। तो जब मुल्की हालात जो हैं वो मुश्किल से दो चार होंगे तो जारी सी बात है आपकी यूथ जो है वो अपना मुस्तकबिल ढूंढती है। जैसे भी आपने कहा कि कारोबार जो होता है वो आपका मुस्तकबिल होता है, इसी तरह यूथ जो होती है वो ये देखती है कि हमारा मुल्क जो है अगर वो आज क्राइसिस में है तो उसमें हमारी स्पेस कहाँ पे है, या मुल्क हमारा क्राइसिस से निकलता है तो कल को हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या हैं, या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो किस तरह होगा, या कैसे हमसे जो आगे जनरेशन चलेगी उसको हम प्रमोट करेंगे। तो जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने करियर में देखे हैं उसी से मैं एनालाइज करके थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि शायद मेरी यूथ जो है वो क्लियर नहीं है। उसकी एक वजह ये है कि सोशल मीडिया ने आके बिल्कुल जो एक वालदैन का और बच्चों का जो कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन होती थी उसको बिल्कुल उसने, सोशल मीडिया का तो पॉजिटिव यूज़ भी है ना, हमें खुद करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, पॉजिटिव यूज़ है, लेकिन बात वही आगे नहीं कि आप यूज़ कर किस तरह से रहे हैं। तो उस पॉजिटिव यूज़ के लिए भी कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो जनाबे वाला नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास जो सिचुएशन है उसको आपने कैसे टैकल करना है। और चूँकि यूथ जो अगर आप देखा जाए तो हमारी पॉपुलेशन को पॉपुलेशन डिविडेंड जिसकी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अपने गोल्डन एज से गुजरा है, क्योंकि मोर देन 50% आपका पोर्शन जो है वो यूथ के ऊपर है, जो मतलब कि 15 साल से 25 या 35 साल तक कह सकते हैं। और ये 15 से 25 की जो एज होती है इसको आप समझिए कि बच्चों के दिमाग जो होते हैं उनको टिल्ट करना बड़ा आसान होता है। तो
जैसे हमें पता है कि हम इसमें बड़े कह लें गोल्डन एज से गुजर रहे हैं, तो क्या वेस्ट जो है या आपके जो अपोनेंट या आपके एनिमीज या जो कंट्रीज या रीजनल, उनको नहीं पता इस चीज़ का, तो वो क्या करेंगे कि वो जो आपका कह लें कि एक स्ट्रेंथ थी उसी स्ट्रेंथ को वो तबाह करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली वो लोग होते हैं कि जो आपकी यूथ को कह रहे हैं कि नेगेटिव जो है वो यूज़ सिखाते हैं। तो ये इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो इसको प्रॉपर कंपेन करनी चाहिए ताकि बताया जाए यूथ को कि सोशल मीडिया है या और फॉर्म जो है उसका पॉजिटिव यूज़ हमने कैसे करना है। और जब ये इस तरह की गाइडलाइंस या इस तरह की पॉलिसीज़ होंगी तो फिर मेरा ख्याल है कि यूथ जो है कम से कम अपने वो जो मसाइल हैं उसको हम ये नहीं कहते ख़त्म कर लेगी, लेकिन उसको कम से कम कम ज़रूर कर लेगी। तो ये इस तरह की चीज़ें चाहिए कि यूथ में इसको ये कह लेंगे स्टूडेंट है हमारा, उसको पता होना चाहिए कि मैं अगर एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं एमएससी कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं अगर एमएससी इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, मैं अगर एक रिसर्चर हूँ तो मुझे पता है कि मैं रिसर्चर क्यों हूँ और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या आने वाले टाइम में मेरा करियर इसके अंदर क्या होगा। तो ये चीज़ें जो हैं मेरा ख्याल है कि वो अनक्लियर हैं हम लोग। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी, जो कि मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि मैं अक्सर सोशल मीडिया पे मैं भी बहुत एक्टिव रहती हूँ, और अच्छा मेरी कोशिश ये होती है कि कुछ नई नई चीज़ सीखूँ, कुछ पता चलता है, क्योंकि हमें इधर बैठना होता है तो हमें काफ़ी सारी रिसर्च की ज़रूरत होती है। तो एक चीज़ मैं अमूमन देखती हूँ कि कोई ना कोई वीडियो किसी गली मोहल्ले की, कोई बाबा, कोई आंटी, कोई दादी, कोई नानी, कोई छोटा सा बच्चा कुछ भी होता है तो वो डायरेक्ट खुला बोलता है जब से इमरान खान आया तो हमारी गली में पानी नहीं आ रहा, इमरान खान आया तो हमारा गटर भरा हुआ है, इमरान खान आया तो ये हो गया। तो बताना है कि कराची में सिंध हुकूमत है, क्यों नहीं बता रहे हम लोग, मतलब लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर हमारे गली का कहीं का कोई सीवरेज निज़ाम हमारे ख़राब है तो वो हम लोग यहाँ से उठ के वहाँ क्यों चले जाते हैं, हम सिंध हुकूमत जिनको हमने वोट दिया है जो जीती है सिंध से, तो हम उन पे नहीं बोलते। और हम लोगों के जहनों में ये बसा हुआ है कि तब्दीली लेके हम लोग आए हैं और उस तब्दीली ने ही हमारी गली के गटर का भी काम करवा दिया है। ये जो सिंध हुकूमत यहाँ बैठी हुई है उसने कुछ नहीं करना, बस जो करना है वो उन्होंने करना है। और माजरत के साथ मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं पीटीआई, ना मैं पीपल्स पार्टी, ना मैं एमकेएम, ना मुस्लिम लीग नून, ना किसी पार्टी से, मैं एक आम इंसान हूँ और आम शहरी होने के नाते मैं बात। देखिए बेसिकली किसी मुल्क का सरबरा वो तो होता ही रिस्पॉन्सिबल, लेकिन बात यह कि 18वीं तमीम के बाद इख्तियार तो सूबों को दे दिए ना, और इस इख्तियार को करने वाले पीपल्स पार्टी के एतजाज हसन थे जिन्होंने अपनी मर्जी से वो इख्तियारात इख्तियार किए सूबों में। तीनों सूबे तरक्की कर रहे हैं, सिंध तरक्की नहीं कर रहा। सबसे ज्यादा गुर्बत जो है सिंध के अंदरून में से आ रहे। भाई आप कराची गए तो अंदरून सिंध को मना के चले जाते तो असल रिस्पॉन्सिबल तो सूबाई गवर्नमेंट है इस वक्त, क्योंकि उनके पास इख्तियारात भी हैं, उनके पास पुलिस भी है, उनके पास चीज़ें हैं, तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है बिल्कुल इमरान खान वो है और वो फेडरल गवर्नमेंट होती है, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो अब एमकेएम तो चली गई है, असल तो वो जो करके गए बेड़ा गरक वो तो करके गए गए, अब तो इनकी हुकूमत है ना, तो अब तो असल रिस्पॉन्सिबल ये हैं जो कि जिनके पास पैसा आ रहा है, दौलत आ रही है, सब कुछ आ रहा है, अब फ्रंटमैन भी इन्हीं के होते हैं, ठीक है ना, अब सरकारी इदारों में चले जाएँ, रिश्वत लेने वालों में इन्हीं के नाम है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग आते ही इस पार्टी में इस नीयत से कि यार पैसा कमाना है, मैंने भी जानने वाले वो गए, वो उनका मकसद ही पैसा कमाना होता है, तो जिम्मेदारी असल तो फेडरल गवर्नमेंट की। अभी भी जो कुछ हुआ है, अब ये कहते हैं क्या बोलते हैं वजीर आला साहब कहते हैं कि ये तो केएमसी की जिम्मेदारी है, अभी केएमसी किसके अंडर में, केएमसी आपके अंडर में, आप क्या सो रहे थे जब ये सब कुछ हो रहा था, आपके इदारे खामोश बैठे हुए थे, सही है ना, SBCA KBCA सारे चीज़ें ये सब देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उस वक्त खामोश बैठे थे, तो असल जिम्मेदारी तो सूबाई गवर्नमेंट की है, पीपल्स पार्टी की है जो इस वक्त मौजूद है। लेकिन अलमिया ये है कि और बिल्कुल सही, सोशल मीडिया ही के प्रेशर से जो कुछ होता है, वरना तो अब तो मीडिया में बहुत सी चीज़, कल भी मैं अलादीन पार्क में दौरा किया, मैंने सवालत किए तो शिकवा कर रहे थे आप मीडिया वालों से कि हमारी वो देती नहीं खबरें, यूट्यूब्स में आ जाती हैं, हमारी खबरें नहीं देते। तो बात यह है कि मोनोपलाइज किया हुआ है, ठीक है ना, आप लोगों को मीडिया को भी वो जो है कंट्रोल किया हुआ है कहीं, लेकिन सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह आज जिंदा है और उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रेशर, और हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें आवाज़ का। अच्छा एक बात और बताऊँ, ये जो मेरे दोस्त कह रहे थे डॉक्टर साहब, ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि देखिए मैं बताऊँ मकसद क्या है। देखिए मैं इस वक्त ये कि हमारे नौजवानों के पास टारगेट्स नहीं है, अहदाफ नहीं है, मकसदी ज़िंदगी नहीं है, बेमकसदी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से मीडिया वो जो सोशल मीडिया के इस्तेमाल भी गलत वो कर रहे हैं। आज मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने जब से चैनल बनाया है, ठीक
ठीक है ना, मैंने हमेशा मकसद, लेकिन जब से मैं चैनल बनाया अपना प्रॉपर्टी अपडेट्स के नाम से, अलहमदा 14,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लाखों लोग, 4 लाख 5 लाख लोग महाना देखते हैं मुझे, लेकिन मैंने एक मकसद मुझे मिल गया ना जिंदगी का। अच्छा एक चीज़ मैं यही आपके आपने बात की इसी हवाले से मैं एक बात करना चाहूँगी, प्रॉपर्टी का काम अगर दुनिया भर में देखा जाए, हमारे यहाँ ये है, माजरत के साथ किसी को बुरा ना लग जाए, मेरा दिल करता है कि मैं बड़ा रूखा सूखा बोल जाऊँ क्योंकि मैं बड़ी सिंपल सी हूँ, जो मैं बोलती हूँ मैं मुँह पर कहती हूँ, अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे तो कोई मसला नहीं, पर एक बात मैं कहना चाहूँगी, हमारा मुल्क है जहाँ हर जाहिल आदमी भी प्रॉपर्टी डीलर बन जाता है, जिसको एक्स वाई जी कुछ भी नहीं पता होता, उसको बोलने की भी तमीज़ नहीं होती, बस उसके पास एक स्मार्टफोन होता है जो वो बार बार कॉल मिलाता है लोगों को, हालांकि आप अगर दुनिया भर में देखें इसकी पूरी आप सिस्टम है, पढ़ के फिर आप आगे आते हैं, ये एक पूरा बहुत बड़ा बिजनेस है जिसको चलाने के लिए आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, आपको पता नहीं है, तो आप किस तरह से बिजनेस चलाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं, असल में पहले ये होता था ज़्यादा, अब कम है, पहले ये था कि लोग आते ही थे, मतलब जो जो करप्ट लोग थे या गलत लोग थे वो आते ही थे, इसीलिए कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, इस काम को अख्तियार कर लेंगे, अब पढ़े लिखे लोग भी इसमें आ गए हैं। और आपको ये बताऊं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये अब पाबंदी की जा रही है कि डिप्लोमा, मैं जब डिप्लोमा कर रहा था, आप यकीन करें वो लोग जो कि बिज़नेस में शामिल नहीं थे ना, उन्होंने बाकायदा जॉब्स करते थे, वो वहाँ पर डिप्लोमा साथ कर रहे थे, तो मैं देख रहा हूँ पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं, तमीज़ के लोग आ रहे हैं, कंट्रोल इसका होना चाहिए। आपकी निशानदेही बिल्कुल सही है कि भाई जो काम नहीं मिला, आजकल इंडस्ट्री तबाह है, नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, अब क्या करें, पैसा भी लगाने के लिए नहीं है, तो बस आके किसी से ये गांव के हाथों से जो लोग उठ के आ रहे हैं, अच्छा तो, लग गया आज मुझे कोई क्लास आ जाए, हो जाएगी मेरी कॉल आ जाएगी कोई मुझे, पर मैं सच्ची बात कर रही हूँ जो कि करनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो आज घर पे बैठे हुए, और ये जो देहातों से उठ के जिनको पता नहीं है, जिनको ये भी नहीं पता कि अगर वो उन्होंने डिप्लोमा लिखना है तो उसकी स्पेलिंग क्या है, आगे पीछे करके बस लिख दी है, समझ आ गई तो ठीक है, वरना मुंह से तो हम बोल ही देंगे आपको, ठीक है जी, तो ये वाला सिस्टम है। और जो बच्चे बेचारे इतने मेहनत करते हैं, इतने पढ़ते हैं, उनके माँ बाप उन पर इतना पैसा लगाते हैं, वो रात रात भर पढ़ते हैं, और वो बच्चे अपने घर में होते हैं, उनको काम के लिए जगह ही नहीं मिलती, और ये लोग जो वहाँ देहातों में पहले घूमते रहते, फिर उनको हमारा शहर कराची नज़र आता है, क्योंकि कराची तो माँ है, वो जो अभी यहाँ वहाँ आता है उसे आगोश में लेके उसके कहती है ले बेटा तू कमा और खा और अपने घर को चला, तो ये सिस्टम है, हमें भी समझना चाहिए आया कि हमें किस तरफ जाना चाहिए, हम लोगों को किसका साथ देना चाहिए, ये भी बहुत गलत चीज़ है कि अगर हम एक बच्चा मेहनत करके आगे आ रहा है, हम उसका साथ नहीं दे रहे, हम उसका साथ दे रहे हैं जिसको काम का पता ही नहीं है, जिसको बोलने का पता नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि मैं कह क्या रहा हूँ और होना क्या है, और वो गलत एडवाइस, हालांकि वो दे शुड एडवाइज द पीपल, और वो उल्टा मतलब उनको खुद नहीं पता, तो वो तो खुद मिसगाइड कर रहे होते हैं, उसकी वजह से जो है वो बहुत से लोग जो है वो गलत फैसले कर लेते हैं। अच्छा इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, मैं इस पे पूछना चाहूंगी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, आया कि मेरी बात से आप मुत्तफिक हैं या आपको लगता है कि मैंने ठीक नहीं कहा? मुत्तफिक इस वजह से नहीं हूँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर रीजन की बात करें, पर्टिकुलर प्रोविंस की बात करें, एरिया की बात करें, तो फिर मैं समझता हूँ, लेकिन फिर वही बात आती है कि वो जो देहाती आदमी है उसको किसी ने गाइड किया या नहीं किया। मैं बजाते खुद जो मैं गाँव से हूँ, और नहीं, नहीं, कोई मसला नहीं, मैं भी हूँ, नहीं, आप दुखी ना होइएगा, सबसे पहले बताती चलूँ मैं भी पंजाब साइड की हूँ, मैं भी देहात की हूँ, तो ये मेरे अपने हैं सारे, और उनके लिए मोहब्बत हमारे दिल में है, पर बात ये है कि सिर्फ अगर अपनों की बात करें कि जिन जगहों पे मैं रह रही हूँ मैं उनका साथ दूँ, और उन लोग उन बच्चों का साथ ना दूँ जो कि इतनी मेहनत, और उनके माँ बाप अपना अपने अपनी ख्वाहिशात को मार के उनको पढ़ाते हैं, और अगर हम उनकी बात ना करें तो ये बड़ी नाइंसाफी होगी। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं मेरा गाँव जो है मेन रोड से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, तो मैं जब बैचलर में था तो डेली आप समझिए कि सुबह पैदल आना पैदल जाना, और अल्लाह का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, मैं तो मैं बल्कि समझ तो यकीन है मेरा कि मेरी इतनी औकात नहीं है, इतनी मेरी सोच नहीं है, इस औकात से सोच से बढ़ के मेरे रब ने दिया है, और दुनिया में आप अंदाजा आपने मेहनत भी की है। हाँ उस वही वजह बता रहा हूँ कि चूँकि आप गाइडलाइन और जो चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो कैसे आपको मतलब कि आपके रास्ते के ऊपर बिठाते हैं, उसमें 3-4 लोग हैं जिनका मैं समझता हूँ मैं आज जो कुछ मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे बताया बनाया है ये सारा उन्हीं की वजह से है, और अल्लाह का शुक्र है कि आज दुनिया में मेरी 8वीं पोजिशन है, पूरी दुनिया में 8वीं पोजीशन है, तो ये एक देहाती है जिसने इतना बड़ा झंडा जो है पाकिस्तान का बुलंद किया है, तो इसमें नहीं, बड़े मेहनती लोग होते हैं, ये चंद लोगों के लिए मैंने बात की है, ये मैंने ये मेरे देखने वाले ये ना समझे कि एनी ने उन लोगों पे बात की है, मैंने उन चंद लोगों पे बात की है जिनको ऐसा लगता है कि हम कराची शहर में आके और हम 2-4 सिर्फ बातें करना सीख जाएंगे, 2-4 लाइनें रटी हुई होती है ना, वो फिर सामने वाला फ़ौरन से वो लाइनें सुन के बड़ा वो अट्रैक्शन फील होती है उसको कि हाँ ये तो बड़ा तेज़ है, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और ये जो बता रहा है वो बिल्कुल ठीक है, तो खुदारा मैंने सिर्फ उनके लिए बात की है जो मुझे सुन रहे हैं, वो इसको गलत तरफ बात को ना ले
लेके जाएं, मैंने उन लोगों की बात की है। हमारे देहात में अगर आप देखें तो वो मेहनत कर रहे हैं तो हम यहाँ खा रहे हैं, उनकी मेहनत रंग लाती है तो हम यहाँ खाते हैं। बहुत मेहनत कश लोग हैं वो लोग, सुबह सुबह उठना, अपने काम करना, सारी चीज़ें करना, ये उन लोगों के लिए बात नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो लोग समझते हैं कि ये शॉर्ट रास्ता है, हमें यहाँ से गुजरना और जल्दी कामयाब। मतलब तो आप एजुकेट करना, हाँ, मकसद आपका, हाँ, कहना ये था कि एजुकेट करना चाहिए जो लोग भी आए काम, हर आम खास जाहिल अनपढ़ हर कोई आ सकता है, लेकिन ये हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको एजुकेट करें। इससे बात बहन अहम बात ये है कि दरअसल उन एलिमेंट्स को देखा जाए जो कि जिनको जो जो ज़हनी तौर पे करप्ट होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नहीं, जाहिल तबका भी जो है ना ईमानदारी से काम कर रहा है तो हम उनको सलाम पेश करते हैं, पढ़ा लिखा भी गबन कर रहा है तो वो बिल्कुल काबिल लानत है। तो ऐसे मकसद, असल बात यह कि उनको उनको स्क्रूटनी करें और अच्छे अच्छे लोग उनको आगे बढ़ाएँ, और इसमें भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, चेक करने की जिम्मेदारी है। अगर कोई करप्ट कर रहा है, कोई मिसगाइड कर रहा है, कोई गलत सौदे करवा रहा है कोई, तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनकी स्क्रूटनी करे। अच्छा, ट्रेनिंग को बाकायदा हिस्सा बनाएं, बाकायदा ट्रेनिंग को हिस्सा बनाएं, एजुकेट करें उसके अंदर। इसलिए कि आप ठीक है वकील नहीं बन सकते, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जब डिप्लोमा कर रहा था, आप यकीन करें कि मेरी अलग काम करते हुए तजर्बा हो जाता है, लेकिन जो पढ़कर जो इल्म हासिल करके जो जहन क्लियर होता है, जो क्योंकि हम आप ये सोच जाइए करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं किसी की, लाखों की, अब तो करोड़ों में चीज चले गई है, फिर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करने से पहले वी शुड प्रिपेयर आल्सो कि हमारी उस मिसगाइडिंग हमें करना चाहिए लोगों को ऐसे पढ़ा के। बल्कि उसमें मैं एक और चीज़ इजाफा करना चाहूँगा कि कराची इतना बड़ा फराख दिल शहर है, आप अगर कराची यूनिवर्सिटी जाएँ तो वहाँ IBA के साथ एक छोटा सेंटर है, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर। तो मैं जब भी कोई बात करता हूँ तो मैं रिसर्च की जो भी अलफ बे मुझे अल्लाह ताला ने सिखाई है उसका सारा क्रेडिट मैं अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर को देता हूँ। तो ये भी मुझे कराची ने दिया, एक देहाती कराची आया और उसने अपना अपनी लाइफ बनाई, उसने अपना करियर बनाया। तो वही बात मेरे मोहतरम की कि जब आप क्लियर होंगे कि आपने करना क्या है और आपके साथ अच्छे उस्तादा होंगे, आपके वालदैन जो प्रॉपर आपकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो बच्चा है ना, जिसको हम बच्चा कहते हैं, वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बहुत बड़ा फूल जो है ना वो बन के मुआशरे के चेहरे के सामने आता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा हुआ पड़ा है कि आपको अवार्ड भी मिले, तो मुझे ये ज़रूर और मेरे देखने वालों को बताएं कि आपको कहाँ कहाँ से अवार्ड। हाँ जी, उससे पहले आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि मेरे वो प्राइमरी के टीचर मास्टर मुबारक अली साहब, मैं उनको इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ। उसके बाद मेरी सुपरवाइज़र थी MPhil की और PhD की प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहमान चौधरी, ये सारी जो मैंने अचीवमेंट की हैं इसका क्रेडिट जो है वो उनको जाता है। और उसके बाद मेरे बड़े ही प्यारे टीचर मोहतरम जिनको मेंटोर मैं तस्लीम करता हूँ और मैं हर पब्लिक फोरम पे तस्लीम करता हूँ, सुबीदीन भट्ट साहब, ये लोग अगर तीन लोग अगर मेरी लाइफ में ना आते तो मैं समझता हूँ कि शायद आई वुड बी टोटली ज़ीरो। और जहाँ तक अवार्ड्स की बात है, वो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि इन सारी चीज़ों से पहले अवार्ड्स मिलने की जो तगोदो है मेरे ख्याल में, वो शायद मेरी माँ की उस जुमले से शुरू हुई है कि जब मैं घर से पढ़ने निकला तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा मेरा अच्छा बेटा पढ़ने की कोशिश करना। तो बिलीव मी कि मैं उस दिन से अभी तक अपनी माँ के लिए एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो अवार्ड्स हैं ये तो अभी शुरुआत हुई है, तो मैं तो अपनी माँ को पता नहीं कहाँ कहाँ से अवार्ड जाए उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपनी माँ को कहूँगा कि अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे, कि वो मेरे अवार्ड्स अपने हाथों से वसूल करें। तो अभी तक जी पहला अवार्ड माशाल्लाह मुझे जो मिला था वो कॉमसेट से मिला था 2014-15 की जो रिसर्च थी मेरी, उस वक्त मैंने सिक्योर की थी 2nd पोजीशन इन द वर्ल्ड एज अ यंग रिसर्चर। तो पहला अवार्ड मुझे कॉमसेट से दिया था। 2019 में मुझे प्रेजिडेंट उर्दगान की जो अहलिया हैं अमीना उर्दगान साहबा, उन्होंने मुझे साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था और बाकायदा माशाल्लाह शी वाज वेरी हैप्पी। और उसने उसको कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है कि मेरा कोई पहला मुसलमान भाई जो है और मुझे पता चला कि ये इतना माशाल्लाह काम कर रहा है। और मैं जब उनसे मिला तो खैर हमारे भी लीडर्स हैं, हमारे भी मिनिस्टर्स हैं, वो फिर आगे उनके मुआवन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उस खातून की मासूमियत और उसके जो बात करने का अंदाज़ था वो देख के मैं इस कदर हैरान हुआ कि मैंने कहा जुमले जो हैं हर ज़बान में कहीं ना कहीं लाए कर रहे होते हैं, सिर्फ वो लैंग्वेज के डिफरेंस की वजह से उनका जो एक्सेंट है वो डिफरेंट हो जाता है। उसके बाद जी डोशे यूनिवर्सिटी है, डोशे सिटी ऑफ टर्की, उनकी वाइस चांसलर जो थी उन्होंने मुझे डिस्टिंग्विश रिसर्चर का अवार्ड दिया। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे वाला आयरलैंड में एक इंस्टीट्यूट है, उसमें जो बड़ी काबिल फ़ख्र बात है मेरे लिए, तो ये 2020 की बात है, उन्होंने अपने कुछ पूरे वर्ल्ड से डिस्टिंग्विश रिसर्चर्स इकट्ठे किए थे जिसमें तकरीबन टोटल 10 लोग हैं, उन 10 में बाकी लोग जो हैं वो सारे अपना करियर समझे कि वो खेल चुके हैं। तो उसमें एक यंग आदमी वो मैं था।
अभी अक्टूबर में इंडिया में एक हैदराबाद नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्चर्स के ऊपर वो रिसर्च कर रही, काम को देख रही है, तो उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया है सोशल साइंसेज के अंदर यंग रिसर्चर इन द रीजन। तो अभी तक ये अचीवमेंट्स हैं मेरी। वैसे अगर फखर की बात है आप आज हमारे साथ बैठे हुए, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो चूँकि मेरी गवर्नमेंट जो है या मेरा मुल्क जो है, पता नहीं शायद ये सोए हुए हैं या किसी और काम में लगे हुए हैं, मतलब कि इनको ये मेरा बड़ा शिकवा है, इसको नहीं मैं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा ये है कि तनबीह इसको कह सकते हैं कि आपको वेस्ट के अंदर बैठे हुए लोग नज़र आ जाते हैं, आपको अमेरिका के अंदर लोग नज़र आ जाते हैं जो बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स करते हैं, तो ये आपके जो लोकल लोग हैं, लोकल हीरोज हैं, इनको किसने प्रमोट करना है? बिल्कुल, ये गिला मुझे लगता है कि ये गिला हर इंसान को है कि आप क्यों नहीं देखते कि आपके मुल्क में कितना टैलेंट है और हर इदारे में हर काम के हवाले से मैं कहती हूँ जो आप बाहर आप देखना चाह रहे हैं वो आपको अपने मुल्क में मिलता है, पर आप क्यों आंखें अपने बंद की? ये कहते हैं जो बंदा MIT से पढ़ के आता है उसको बहुत कुछ आता है, जो बंदा ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता है उसको बहुत कुछ आता है, जो बंदा हार्वर्ड से पढ़ के आता है उसको बहुत कुछ आता है, और बड़ी अब हैरान होंगे, और मैट्रिक के बाद मेरा FA प्राइवेट है, मेरा बैचलर प्राइवेट है, मेरा BEd प्राइवेट है, मेरा MA इकोनॉमिक्स प्राइवेट है। अच्छा, उसके बावजूद? अच्छा, प्राइवेट करने की वजह क्या थी? बस वो कुछ ऐसी फैमिली के अंदर सिचुएशन थी, मैं अपना अच्छा, वो मैकेनिज्म सेट नहीं कर पाया। अच्छा, और ये भी एक लॉन्ग स्टोरी है, ये मैं समझता हूँ यूथ के लिए बड़ी मोटिवेशन है इसमें, क्योंकि मेरा अपना भी मोहम्मद MTV यूट्यूब चैनल है, तो मैं समटाइम ये मॉरल इशूज़ के ऊपर जो है वो वीडियोज़ बना कर अपलोड करता रहता हूँ, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक आता है। और आपके कितने सब्सक्राइबर हैं? मैंने कभी सब्सक्राइबर्स की तो जो नहीं की कि 14,000 सब्सक्राइबर तो मेरे साथ बैठे हुए इनके यूट्यूब के, आपके कितने सब्सक्राइबर? मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो चूंकि जो रिसर्च का बंदा है वो शायद मेरी इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझ सके, लेकिन मैं उसको आसान बना कर ये कह सकता हूँ कि माशाल्लाह अभी तक जितनी रिसर्च मैंने की है उसको तकरीबन कह लें कि 32 लाख लोगों ने पढ़ा है। अच्छा, जिसको आप रीडरशिप कह सकते हैं, मेरी रीडरशिप जिसे कहते हैं ना आप, और अभी तकरीबन 33,000 लोगों ने मेरी रिसर्च को अपनी रिसर्च के अंदर उसका हवाला दिया है। अच्छा, तो मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान का पहला बंदा हूँ मैं कि जो जिसकी रिसर्च को इतना ज़्यादा हवाला दिया जा रहा है, और ये नहीं है कि रिसर्चर हवाला दे रहे हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो है लाइक IMF आपको वर्ल्ड बैंक और ये, इनके जो रिसर्चर्स हैं वो भी माशाल्लाह मेरी रिसर्चर्स को पढ़ते हैं और पढ़ के अपनी रिसर्चर्स के अंदर उसका हवाला देते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि जो मुझे जितना पता है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद मैं पहला बंदा हूँ जिससे पहले को हो तो उसका मुझे अभी तक पता नहीं है, तो जिसने इतना माशाल्लाह काम किया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अब सब्सक्राइबर जो हैं वो तो बड़ी छोटी सी चीज़ रह गई इसके सामने। अच्छा, उसके बाद माशाल्लाह 8 किताबें मैंने अभी अब तक पब्लिश की हैं, पाकिस्तान में बहुत कम रुझान है किताबें लिखने का, और मुझे पता है कि ये बुक्स लिखने में पब्लिश करने में कितनी मुझे डिफ़िकल्टी आई है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है माशाल्लाह, इंसान जब काम करने की कोशिश करता है या सोच रहा है तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आपके लिए रास्ते बनाते जाते हैं। और मैं जो कि हूँ रिसर्चर, और मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा था किसी प्रोग्राम में कि ये तो बड़ा टेढ़ा और बड़ा कठिन रास्ता है, तो आपने इसको कैसे चूज़ कर लिया? तो मैंने कहा रिसर्चर का काम ये होता है कि वो डेस्टिनेशन जहाँ रास्ते नहीं जाते तो वो रास्ते खुद बनाते हैं। तो ये चीज़ें यूथ जो है अगर इन चीज़ों को समझ ले, क्लियर हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है इसको इन प्रॉब्लम का हल ढूंढने में 24 घंटे भी नहीं लगेंगे। ये पाकिस्तान के मसाइल का हल और हर चीज़ के मसाइल का हल तो है, पर ढूंढना नहीं हम चाह रहे, ये मैं क्या ठीक कह रही हूँ? हाँ, कि मसाइल के हल तो हमें पता है कि हल है क्या, अगर ये करेंगे तो इस मसले का हल ये है, असल में एक पर बात करना नहीं है। करना नहीं है, बात ये कि अभी मैनर्स की बात हो रही है ना, देखिए बड़ों से सीखते हैं, ठीक है ना, माँ बाप से बच्चे सीखते हैं, बिल्कुल असातिज़ा से बच्चे सीखते हैं, रहनुमाओं से मुल्क सीखते हैं। अब आज देखें इस वक्त असेंबली में देखें बजट के ऊपर बात हुई, ठीक है ना, लेकिन जो तूफान बदतमीजी देखी हमने, मतलब कॉपियां फेंकते हुए, किताबें फेंकते हुए, लड़ाई झगड़े, गालियां निकालते हुए, अच्छा ये क्या मतलब, व्हाट वी आर गिविंग द लेसन, दिस इज द मैडम थिंग, कि हम ये गौर करें कि हम मैसेज क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं टीवी टॉक शोज में, जो जितना चर्ब जुबान होता है, ठीक है ना, आप हम लोग देख से बुलाते हैं उनको, ठीक है ना, गिरेबानों तक हाथ जा रहे हैं, तुम तड़ा तू तड़ा हो रही है, मतलब आप ये सोचें कि हमारे इसके बाद नस्ल क्या सबक हासिल करेगी, कौम किस तरह सबक हासिल करे, फिर आज हमारे नौजवान अगर बदतमीजी करें, गलम गलोच करें तो आप FIR काटें, लड़ाई झगड़े के तो FIR काटें, तो आप लेकिन ये जो रहनुमा हैं उनसे, ये मैं खासतौर पे आपके चैनल से मुझे मौका मिल गया ये बात कहने का, मैं कई दिन से देख रहा हूँ, मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि जिन लोगों को रहनुमाई करनी चाहिए, एक एग्जाम्पल बननी चाहिए, वो हमारे क्या एक मकाम पेश कर रहे हैं। आप असेंबली इसलिए तो नहीं है कि दस्तों गिरबा हों, लड़ाई झगड़े करें, आप सब मैनर्स वाले हैं, अच्छे लोग हैं, आपको देख के पूरी नस्ल हमारी ख़राब होगी और पूरी ये ख़राब होगी। इसी वक्त टॉक शोज़ में भी हम देखें कि मतलब बदतमीज़ी करना, चर्ज़ुबानी करना,
ये एक अखलाकी दिवालिया है जो हमारे माशरे में महसूस किया जा रहा है। अच्छा, हमारी हुकूमतों को इस बात का तो एहसास नहीं है कि नौजवानों की तरबियत करें। ऐसा मसला, नौजवान बेचारे क्या करें, उनको आजकल रोज़गार नहीं है, उनको जो है ना वो रहनुमाई नहीं है, उनको जो है नौकरियां नहीं मिलती बेचारे। ये इसलिए तो नहीं थे कि ये डिलीवरी का काम करें, ठीक है, पढ़े लिखे मास्टर्स किए हुए लोग जा होम डिलीवरी काम कर रहे हैं। उस दिन मैंने और... एक सोशल मीडिया पे पिक देखी कि एक फूड पांडा का वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने बाइक साइड पे खड़ी की हुई लड़के ने और फुटपाथ पे सोया हुआ इस तरह से, मतलब बहुत नुमाइश चौरंगी आई थिंक था। और बड़ा मुझे बहुत तकलीफ हुई देख के कि क्या ये हमें नज़र नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। आवाम, आपको जब वोट का टाइम आता है तो आप लोग आवाम से बड़े वादे करते हैं। अच्छा, वादे तो हमने बहुत सुन लिए, हमने बिल फाड़ते हुए भी देख लिए, पता नहीं रोटी कपड़ा मकान पता नहीं क्या क्या चीज़ें क्या क्या नारे हमने सुने हैं। अच्छा, फिर ये बोलने पे होता है कि बोलते बहुत हो आप तो क्या करें, फिर दिल जलता है, दुख होता है, तकलीफ होती है कि जब हम इस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमारे सीने में भी दिल है, तो फिर दिल करता है कि मौका अगर मिला है और ये बात अगर आगे जा सकती है तो हमें ज़रूर बोलनी चाहिए। इसके साथ साथ एक सवाल भी आपसे मैं करती भी जाऊंगी ताकि साथ साथ आप उसका ज़रूर मुझे जवाब दें कि अमूमन मैं जब जाती हूँ किसी मॉल में जाऊँ, कहीं ऐसे किसी शॉप पे भी जाऊँ, मार्केट में जाऊँ, शॉप पे जाऊँ, ये जो पार्किंग वाला एक आपको ये जो स्लिप दे देता है ना पकड़ के 30-50 रुपए वाली, और उसके बाद भी हमारी बाइक गाड़ियाँ सब उठ जाती है, ये क्या सिस्टम है, मतलब ये कौन सा माफिया है, ये क्या हरकतें क्या हो रही है। हाँ, कि एक तो आप पार्किंग के पैसे भी ले लेते हैं और बाद में उनकी गाड़ी बाइक भी चली जाती है कि नहीं वो पार्किंग से हटी हुई थी वो उठा के। असल में बात ये है कि हालांकि इलीगल है, देखिए ये पहले पिछले दौर में ये हो चुका है कि ये इलीगल इसको करार दिया था और ये ख़त्म कर दिया था कि ये पार्किंग का सिस्टम, इसमें कमाना, ये माफियाज हैं, ये दरअसल ये पुलिस की माफिया, ये वहाँ के भत्ता खोरों की माफियाज, ये हमें आपको तंग कर रहे हैं। अब गाड़ी उठा लेते हैं, अच्छी खासी कीमत लेते हैं, मोटरसाइकिल और अच्छी खासी कीमत बताती है, भाई आप इतनी कीमत क्यों ले रहे हैं, आपने अगर करना है पहले तो आप और बहुत से तरीकेकार हो सकते हैं। और कितने तो, अच्छे मेरे इदारे हैं, अगर आप देख रहे हो यकीन करो बाइक का हल्का सा टायर बाहर होगा और आप आके उठा के ले जाएंगे, और वैसे जो है उधर ही खड़ी हुई जो है वो गाड़ी रोड अगर ब्लॉक हुआ हुआ है तो आप नहीं होते कि रोड साफ करें और लोगों को जाने का टाइम मिल जाए, आप उनका टाइम नहीं बचाते, पर जैसे ही बाइक का या गाड़ी का टायर बाहर हुआ आपने खींच के उसको ले जाना और अच्छे खासे बेचारों को पैसे बढ़ जाते हैं। पैसे खाने वाले खिलाने वाले तो ये पुलिस वाले तो होते हैं। हाँ। मैं तो सोशल वर्कर भी हूँ ना, प्रॉपर्टी एडवाइजर के हिसाब से मैं के अलावा मैं सोशल वर्कर भी हूँ, इसलिए तो मैं आपसे बात मैं कर रही हूँ ये बिल्कुल, सारी बिल्कुल। तो ये पुलिस खुद इसमें इन्वॉल्व होती है, मिली भी होती है, लोगों का गुस्सा आप देखिए। अब ये अक्सर जो सोशल मीडिया पर खबरें वो आ जाती हैं कि हेलमेट मारते हुए लड़ते हुए पुलिस वालों से, ये अंदर इंसान का गुस्सा होता है, ये आपका मेरा गुस्सा है बेसिकली, एक फ्रस्ट्रेशन है जो माशरे में नजर आ रही है बेबसी। दुनिया में और भी जगह होता है भाई, और भी तरीक़ेकार अख्तियार हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन पैसा लेकर और तकलीफ देकर, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी यहाँ पे चल रही है, मई जून की गर्मियों में आप गाड़ी उठा लें, मोटरसाइकिल उठा लें और उसके बाद जाके आप पैसे घसीटें, तो ये इंतहाई आप देखें आप, ठीक है मैं कहता हूँ इनक्रोचमेंट का खात्मा होना चाहिए, उसके तरीक़ेकार हैं, लेकिन पुलिस पैसा ले लेके, अभी करीमाबाद चले हैं मिसाल के दूँ, करीमाबाद पर रक्षों की लाइन लगी होती है, ठीक है ना, वहाँ मीना बाजार के पास रक्षों की लाइन होती है, इतना ट्रैफिक जाम होता है, वही पुलिस वाले खड़े होते हैं, पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि वो कर रहे हैं, क्यों, इसलिए कि कुछ चल रहा है ना मामला, इस तरह कई जगहों पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आपकी तरफ आऊंगी, लास्ट हमारे पास 2 मिनट है, आप जाते जाते हमारी जो न्यू जनरेशन है जो आप वो चाहती है कि आपने जो एक रास्ता, जिस रास्ते पे आप चल के माशाल्लाह बहुत आगे जा चुके हैं, वो रास्ते पे अगर चलना चाहती हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं? हाँ जी, उसमें ओवरऑल देखें, हम जो बात करते हैं कि पॉलिटिशियन जो हैं वो नाराज़ हैं कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया, यूथ जो है वो नाराज़ है कि इस मुल्क ने हमारे लिए क्या किया, माई क्वेश्चन इज़ कि हमने इस मुल्क के लिए क्या किया? बिल्कुल। तो जो ओनरशिप है उसकी शदीद कमी है दोनों तरफ ही, अपर लेवल पे भी और लोअर लेवल पे। तो मेरा ख्याल है कि उस जिस तरह का मुल्क है मेरा, मैं तकरीबन ये नहीं कह रहा कि पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन 30-40 मुल्क मैंने घूम के देख लिए हैं, तो मैं समझता हूँ जैसा भी है हम जैसे भी हैं दुनिया से बहुत अच्छे हैं, सिर्फ हमें ये थोड़ा तस्लीम करने की ज़रूरत है। और जो हमारी रिस्पांसिबिलिटी हैं, जैसे भी हमारी बात हो रही थी कि जो भी अदारे हैं, जो भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जॉब्स की या अपनी जो रिस्पांसिबिलिटी उसकी उसको ऊन नहीं कर रहे, उस वजह से ये चीज़ें हैं। वो कल भी मैं कहीं बात कर रहा था, मैं कोरोना को बात हो रही, तो मैं इस चीज़ को
कोरोना समय तो हमारे जो अंदर का कोरोना है ना उसको हम बाहर मारना चाहिए ताकि हमें किसी वैक्सीन लगवाने की जरूरत ना पड़े। और जब तक हम अपना अंदर साफ नहीं करेंगे ये इस तरह के मसाइल जो हैं वो जन्म लेते रहेंगे और हम इसी तरह रोते रहेंगे। सिर्फ हमें जो भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो बीइंग अ स्टूडेंट है, बीइंग अ पेरेंट्स है या बीइंग अ पॉलिटिशियंस है, उसको हमें ऑन करना चाहिए, उसको प्रॉपर ईमानदारी से मुकम्मल करना चाहिए। ओके जी, बहुत हाँ बिल्कुल। इसमें देना चाहूँगा बहन कि इस वक्त देखें दो चीज़ें, हम एज ए मुस्लिम हमें जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया अगर उसको हम कुछ मोटी मोटी चीज़ों को भी कर लें तो अच्छे इंसान बन सकते हैं ना, ये वैसा। दूसरी पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी, पाकिस्तान से मोहब्बत, यानी हम अपने लिए सब सोचते हैं व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, दिस इज़ रॉन्ग, कि हम अपने बारे में सोचें। हम देखिए हम पाकिस्तान के लिए क्या डिलीवरी, गालियाँ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम नौजवानों के लिए, लोगों के लिए क्या किया, इंसानियत के लिए किया, हम इसलिए जिए। मतलब मज़ा तो वो तो लोग तो जीते हैं सब अपने लिए, कुछ तो लोग हों जो दूसरों के लिए जिए, ये आपका मकसद होना चाहिए। पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाएं, आप हम सब मिल के करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये 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 अंधेरे छटेंगे और रोशनी आएगी। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए। जी नाज़रीन, मैं जाते जाते एक बात ज़रूर करूँगी कि सबसे पहले मेरे लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ। मुझे पाकिस्तान ने बहुत कुछ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पाकिस्तान में रहती हूँ। और क्योंकि आप दुनिया भर में जब आप जाते हो, यकीन करो ये उन लोगों के लिए जो गली कूचों में गुटके थूक रहे होते हैं, जो कोई भी चीज़ खाते रैपर ऐसे फेंक रहे होते हैं, जो कहीं भी जाके यूं ही खड़े हो जाते हैं, जो इस तरह से गाड़ी आ रही और एकदम से बीच में घुस के खुद ही बाइक के साथ लग जाते हैं और फिर खुद ही बाइक वाले को मारना शुरू कर देते हैं, आप जैसे लोग दुनिया भर में जाएँ तो आपको पता चलेगा मेरे प्यारे पाकिस्तान की कदर आपको उस टाइम पर आएगी। बहुत आसान है हमारे मुल्क में पैसा कमाना और शाम को अपने दोस्तों के साथ चाय के ढाबे पे बैठ के चाय पीना। आप पाकिस्तान से बाहर जाके देखें आपको कितना काम करना पड़ता है, और वापस आके अपने कपड़े भी धोने पड़ते हैं, रोटी भी पकानी पड़ती है, खाना भी बनाना पड़ता है, और हफ्ते में जो एक दिन होती है उस दिन आप पूरे एक दिन अपने घर की सफाई और सारी चीज़ें करते हैं, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। ये मेरा प्यारा पाकिस्तान है जहाँ पर आप शाम को आके अपने दोस्तों के साथ अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं, इसकी कदर करें। खुदारा हमारा मुल्क जैसा कोई मुल्क नहीं है, जितना आपको यहाँ जितनी आज़ादी है, आप खुल के सब चीज़ें करते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।